नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रही हैं एफएम न्यूज। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत पर आरोप लगा था कि वे अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। इसके बाद कंगना रनौत ने सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का वीडियो शेयर कर कहा कि मूवी माफिया उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना रनौत सुशांत सिंह के लिए न्याय की मांग कर रही है। कंगना सभी कॉन्ट्रोवर्सियल की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। मूवी माफियाओं को एक्सपोज करने और कुछ बड़े नाम लेकर कंगना हर बार सुर्खियों में आ जाती है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने एक इंटरव्यू में कंगना के बयान को महत्वहीन बताया और कहा कि वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वकील ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिया और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर में कंगना रनौत के दावों का कुछ भी लेना देना तक नहीं है। अब कंगना ने के सिंह के वकील विकास सिंह द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी से इनकार किया है। खबर और अफवाहों फैलाने के लिए कंगना ने कहा, ये मूवी माफिया और बिकाऊ मीडिया है। सुशांत के वकील परिवार ने मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अफवाहों फैलाई जा रही है। यहाँ परिवार के वकील ने अपने हर इंटरव्यू में कहा, गिद्ध मीडिया से सावधान रहे। वकील विकास सिंह ने मीडिया हाउस में बातचीत में कहा था कि कंगना अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रही है, जिसके पास अपने स्वयं के व्यक्तिगत मुद्दे हैं। परिवार के एफआईआर में उनके दावों से कोई लेना देना तक नहीं है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई जांच को मंजूरी देने के बाद टीम मुंबई पहुंच गई है और अपनी कार्रवाई में लगी हुई है।